Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu, only at Tag TV. Tag TV updates you about corona situation in Canada and around the globe. टोरंटो के शहरियों और सूबाई असम्बली के अरकान ने हुकूमत से बेघर अफराद के लिए हंगामी हालात का मुतालबा कर दिया। कनाडा में गैर मुल्कियों के सफर पर आयद पाबंदी की मुद्दत में 31 अक्टूबर तक की तौसी कर दी गई। पब्लिक सेफ्टी मिनिस्टर का कहना है कि लोगों की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। टोरंटो में कोरोना वायरस तेजी से फैलने लगा। ओंटेरियो में कोरोना वायरस के 615 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जिनमें से निस्फ का ताल्लुक टोरंटो से था। कनाडा में कोरोना वायरस के फैलाव का सिलसिला जारी है। मुतासिर होने वाले अफराद की तादाद 168,960 हो गई। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 3,57,02,309 तक जा पहुंची है, जबकि इस मुजी वायरस से हलाकतें 10,45,955 हो गईं। ट्रंप ने व्हाइट हाउस पहुंचते ही मास्क उतार दिया। ट्रंप ने अस्पताल से रवानगी से पहले सोशल मीडिया पर कहा कि जल्द सदारती मुहिम पर वापसी होगी। अशरफ गनी कतर की दावत पर दोहा में हैं। जुल्मे खलीलजाद कहते हैं अमरीका अफगान सरबराही में अमन अमल की हिमायत करता है। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब खबरें तफसील के साथ। ग्रीनिश हैंड सैनिटाइजर, आला क्लीन क्वालिटी, 75% फूड ग्रेड अल्कोहल, नॉन स्टिकी और नॉन ऑयली फार्मूला। आज ही अपनी करीबी फार्मेसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट पर ऑर्डर करें www.greenish.com। कनाडा में आपके पास डॉक्टर और लॉयर होना बहुत जरूरी है। हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा नाम जो है रिलायबल, ट्रस्टवर्दी एंड ऑनेस्ट। लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा, 905-956-6699। फॉर फैमिली लॉ, रियल एस्टेट, विल्स और किसी भी तरह के एफिडेविट या पैरा लीगल प्रॉब्लम्स के लिए लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा, 905-956-6699। पहली कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है। कॉल लॉयर शिखा शारदा, 905-956-6699। टोरंटो के शहरियों के ग्रुप की जानिब से कहा गया है कि बेघर अफराद के लिए बरवक्त इकदामात ना किए गए तो हलाकतें भी हो सकती हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं। टोरंटो के शहरियों और सूबाई असेंबली के अरकान ने हुकूमत से बेघर अफराद के लिए हंगामी हालात का मुतालबा किया है। शहरियों का कहना है कि अगर बरवक्त इकदामात ना किए गए तो बेघर अफराद की हलाकत भी हो सकती है। शहरियों के ग्रुप की जानिब से कहा गया है कि बेघर अफराद के लिए बरवक्त इकदामात ना किए गए तो हलाकतें भी हो सकती हैं। NDP के रुकन सूबाई असेंबली का कहना है कि हुकूमत बेघर अफराद के मंसूबों पर तवज्जो दे और अगले 2 साल में शहर को 3,000 सस्ती और अगले 10 साल 3.5 लाख यूनिट बनाने के लिए फंड फराहम करे। बेघर अफराद के लिए काम करने वाली तंजीमों का कहना है कि इस तरह के ऐलान की फौरी जरूरत है, क्योंकि सैकड़ों अफराद टोरंटो में खैमों में रह रहे हैं। पब्लिक सेफ्टी मिनिस्टर बिल ब्लेयर ने अपने ट्वीट में कहा है कि हम अमरीकी शहरियों के अलावा गैर मुल्की शहरियों के कनाडा आमद पर पाबंदी की मुद्दत में 31 अक्टूबर तक तौसी कर रहे हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा ने कोरोना वायरस के मद्देनजर गैर मुल्कियों के सफर पर आयद पाबंदी की मुद्दत में 31 अक्टूबर तक की तौसी कर दी है। पब्लिक सेफ्टी मिनिस्टर बिल ब्लेयर ने अपने ट्वीट में कहा, हम अमरीकी शहरियों के अलावा गैर मुल्की शहरियों के कनाडा आमद पर पाबंदी की मुद्दत में 31 अक्टूबर तक तौसी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये हुक्म मुल्क के बास अमरीकी शहरियों, वफाकी हुकूमत की जानिब से इजाजत हासिल करने वाले गैर मुस्तकिल गैर मुल्की मजदूरों और कुछ निजी अफराद जैसे सफीर और तैयारों के क्रू मेंबर्स पर नाफिज नहीं होगा। इमिग्रेशन, पनागुजीनों और शहरियत के वजीर, पब्लिक सेफ्टी मिनिस्टर और वजीर सेहत का कहना है कि आइंदा हफ्ते से सरहद पर सेहत आमा की मौजूदगी को मुस्तहकम करेंगे, जबकि इजाफी लोगों को भी अबूर करने की इजाज़त दी जाएगी। ये इकदाम लोगों को उनके अहल खाना से मिलवाने और गैर मुल्की तुलबा की सहूलत के लिए किए जाएंगे। टोरंटो में कोरोना वायरस में इजाफे का सिलसिला जारी है, जबकि पब्लिक हेल्थ ने लोगों से अपील की है कि लोगों से अपने घर के अंदर ही रابطے محدود रखें। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
टोरंटो में कोरोना वायरस में इजाफे का सिलसिला जारी है, जबकि पब्लिक हेल्थ ने लोगों से अपील की कि दूसरों से अपने घर के अंदर ही रابطे महदूद रखें। टोरंटो में कोरोना वायरस के 10% से ज्यादा टेस्ट मुस्बत आ रहे हैं, जिससे ये मालूम होता है कि शहर की दूसरी लहर इससे भी ज्यादा खतरनाक हद तक बढ़ती है, जो माजी से कहीं ज्यादा है। इस हवाले से माहिरीन की जानिब से ये मुतालबा भी किया जा रहा है कि शहर में पाबंदियाँ मजीद सख्त कर दी जाएँ और शहरियों को इस हवाले से कुछ सहूलियात भी दी जाएँ, ताकि वो इस वबाई सूरत हाल का डट कर मुकाबला कर सकें। आदाद शुमार के मुताबिक शहर के तकरीबन 2/3 हिस्से में टोरंटो और उससे आगे के पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज की एक अहम समझी जाने वाली टेस्ट रिपोर्ट्स की शराबी 30% है। माहरीन का कहना है कि हुकूमत को इस सूरत हाल में सख्त इकदाम उठाने की जरूरत है। वाजह है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान ऑन्टेरियो में कोरोना वायरस के 615 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जिनमें से निस्फ का ताल्लुक टोरंटो से था। कनाडा भर में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 9,504 तक जा पहुंची है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा में कोरोना वायरस के फैलाव का सिलसिला जारी है। आखिरी इत्तला के मुताबिक कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले अफराद की तादाद 1,68,960 हो गई। मुल्क भर में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 9,504 है। क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ। सूबे भर में कोरोना वायरस के मजमू केसेस की तादाद 79,650 हो गई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बायस होने वाली हलाकतों की तादाद 5,884 तक पहुँच चुकी है। ऑन्टेरियो में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 54,814 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतों की तादाद 2,980 है। अल्बर्टा में 18,935 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जबकि 280 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में 9,739 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 242 है। दुनिया का कोई खित्ता कोरोना वायरस की मुजी वबा से महफूज नहीं, इसके मरीजों और अमवात में मुसलसल इजाफा जारी है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। दुनिया का कोई खित्ता कोरोना वायरस की मुजी वबा से महफूज नहीं, इसके मरीजों और अमवात में मुसलसल इजाफा जारी है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 3,57,02,309 तक जा पहुंची है, जबकि इस मुजी वायरस से हलाकतें 10,45,955 हो गई। कोरोना वायरस के केसेस के एतबार से 10 सरे फहरिस्त ममालिक में अमरीका पहले नंबर पर है, जहां इस वायरस से अब तक 2,15,032 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं, जबकि इससे बीमार होने वालों की मजमू तादाद 76,79,644 हो चुकी है। भारत कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफे के साथ इस फहरिस्त में दूसरे नंबर पर है, जहां कोरोना से 1,03,600 हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि इससे मुतासर मरीजों की तादाद 66,85,082 हो गई है। कोरोना मरीजों की तादाद के हवाले से ममालिक की फहरिस्त में ब्राजील तीसरे नंबर पर चला गया है, जहां ये वायरस 1,46,773 जिंदगियां निगल चुका है, जबकि कोरोना मरीजों की तादाद 49,40,499 तक जा पहुंची है। कोरोना वायरस से रूस में कुल अमवात 21,475 हो गई, जबकि इसके मरीजों की तादाद 12,25,889 हो चुकी है। फहरिस्त में 10वें नंबर पर मौजूद साउथ अफ्रीका में कोरोना वायरस की वबा से मजमू अमवात 17,016 हो चुकी हैं, जहां इस वायरस की अब तक कुल केसेस की तादाद 6,82,215 रिपोर्ट हुए हैं। फहरिस्त में सऊदी अरब 17वें नंबर पर है, जहाँ कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवात 4,898 रिपोर्ट हुई है, जबकि मुमलिकत में इसके मरीजों की तादाद 3,36,766 तक जा पहुंची है। कोरोना में मुब्तला अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को मिलिट्री हस्पताल से छुट्टी मिल गई। हस्पताल से छुट्टी के वक्त ट्रंप ने मास्क पहन रखा था, तहम व्हाइट हाउस पहुंचने पर मास्क उतार दिया और सल्यूट किया। इस हवाले से मजीद जानते हैं। कोरोना में मुब्तला अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को मिलिट्री अस्पताल से छुट्टी मिल गई। अस्पताल से छुट्टी के वक्त ट्रंप ने मास्क पहन रखा था, ताहम व्हाइट हाउस पहुंचने पर मास्क उतार दिया और सैल्यूट किया। ट्रंप ने अस्पताल से रवानगी से पहले सोशल मीडिया पर कहा कि जल्द सदारती मुहिम पर वापसी होगी, फेक न्यूज हमेशा फेक पोल दिखाते हैं। फ्लोरिडा से वेस्ट वर्जीना तक डेमोक्रेट्स पर 2-1 की बरतरी हासिल है। उन्होंने कहा कि अमरीकियों को दिखाएंगे कि हम डरने वाले नहीं, किसी भी सूरत इलेक्शन जीतेंगे। इससे कबल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि कोरोना से खौफजदा ना हो, इसे अपनी जिंदगी पर हावी होने ना दें। वो इतना ही बेहतर महसूस कर रहे हैं जितना आज से 20 साल पहले किया करते थे। हमने कोरोना की बेहतरीन दवा और मालूमात तैयार की हैं। दूसरी जानिब व्हाइट हाउस डॉक्टर ने कहा कि सदर ट्रंप व्हाइट हाउस में भी डॉक्टर्स की जेरे निगरानी रहेंगे। सदर ट्रंप की सेहत को लाहा खतरा अभी मुकम्मल टला नहीं।
अमरीकी नुमाइंदे खसूसी बराए अफगानिस्तान जुल्म खलीलजाद कहते हैं अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी कतर की दावत पर दोहा में मौजूद हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। एक बयान में अमरीकी नुमाइंदा खसूसी बराए अफगानिस्तान जुल्म खलीलजाद का कहना है कि अमरीकी कमांडर जनरल स्कॉट मिलर और मैंने अफगान सदर से अमन मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने कहा कि हमने अफगानिस्तान से तआवुन शराकत दारी और सियासी सेटलमेंट के लिए अमरीकी अज़म का अदा किया है। अफगान सदर अशरफ गनी से कहा कि अमन का मौका हाथ से ना जाने दिया जाए। जुल्म खलीलजाद ने कहा कि दोनों फरीकान की जानिब से अमन की कोशिशें हौसला अफजा हैं। अमरीका अफगान सरबराही में अमन अमल की हिमायत करता है। उन्होंने कहा कि अमरीका अफगान अमन अमल में मुआवनत के लिए तैयार है। तमाम अक्वाम खुसूसी तौर पर पड़ोसी ममालिक अफगान अमन अमल में मुआवनत करें। जुल्म खलीलजाद ने दोनों फरीकैन से मुतालबा किया कि अफगानिस्तान में मुस्तकिल और जामा जंग बंदी के लिए तशद्दुद में नुमाया कमी की जाए। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान का ये भी कहना है कि अफगानिस्तान के अवाम अमन चाहते हैं, अमरीका उनके साथ खड़ा है। टैक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो में फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैक टीवी। डेली कनेडियन न्यूज बुलेटिन इन हिंदी एंड उर्दू ओनली एट टैक टीवी। सब्सक्राइब टैक टीवी यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बटन।